Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हेलो गाइस, तो आज बन रही है करेले की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की रेसिपी। सारे करेलों को हमने अच्छे से छील लिया है, जिसको मैंने पहले पानी में भिगो के साफ कर लिए थे। उसके बाद हमने ये सब छील लिए हैं। कुछ करेले जो है मैंने अंदर से खाली कर दिए हैं, इस तरह से इसके बीज निकाल लिए हैं, क्योंकि हम अलग अलग स्टाइल के करेले बनाएंगे आज। और ये जो करेले हैं इसको खाली हमने बीच में से स्लिट करा है, चीरा लगाया है ऐसे सब में। और कुछ करेले जो है मैंने इस तरह से काटे हैं लंबे, जिसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। और ये है करेलों के छिलके, जिनको हम प्याज के साथ काट के अलग से बनाएंगे। अब इन सब में मैं थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल के इन्हें छोड़ दूंगी 2 घंटों के लिए अच्छे से मिला के। ऐसे ही इनको अच्छे से खोल के इसके बीच में भी हल्का हल्का सा डाल देना है, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। अब मैंने ये जो दाल है ना भिगो दी थी 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि गर्मी है तो 3-4 घंटे में ये दाल अच्छे से भीग जाती है। ये चने की दाल है, ये देखिए। अब इस दाल को हम 3-4 सीटी दे देंगे, पर ये दाल जो है पूरी तरह से घुलनी नहीं चाहिए, थोड़ी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। एक ही चूल्हा कर दो। दो घंटे हो गए हैं, हमने करेलों पे नमक लगा के रखा था। अब इनको हम साफ पानी में अच्छे से निकाल लेंगे। इन करेलों को अच्छे से निचोड़ निचोड़ के बाहर निकाल देना है, नमक जो है इसका ये सारा इसमें निकल जाएगा। अब ये जो कटे हुए करेले हैं इनको भी पानी से निकाल देंगे, ताकि जो एक्सेस नमक है वो निकल जाए इसमें से। निचोड़ के हम इसे बाहर निकाल, सबसे लास्ट में निकालेंगे हम ये करेले के छिलके। इनको भी हमने नमक लगा के छोड़ दिया था 2 घंटे के लिए। इस तरह से निचोड़ निचोड़ के ये सारे छिलके हम इससे बाहर निकाल लेंगे। अब हम करेले में भरने के लिए मसाला लेंगे। पहले हमने लिया है नमक, हल्दी लेंगे, कुटी हुई मिर्च लेंगे, थोड़ी सी कलर वाली लेंगे मिर्च, जो देगी मिर्च होती है,
अब इसमें हम थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डालेंगे और थोड़ा सा दरदरा धनिया डालेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अमचूर और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको करेले में भर देंगे। जिन करेलों में मैंने कट डाला था, ये अंदर से मैंने खाली नहीं किए थे, इन करेलों में हम ये वाला मसाला भर देंगे। सभी करेलों में भरकर ऐसे दबा के तैयार कर लेंगे। दूसरे जो करेले बनाने हैं हमने, उसमें ये चने की दाल डालेंगे जिसको मैंने 3 विसल देके निकाले, और ऐसे सूखी सूखी दाल रखनी है, खड़ी खड़ी, ये घुलनी नहीं चाहिए इस तरह की। देखिए इसमें थोड़ा सा कच्चापन सा दिख रहा है ना, इस तरह की रखनी है हमें। अब इस दाल में हम ये जो हमने मसाला तैयार किया था, इस मसाले को इसमें मिक्स कर लेंगे। जितनी दाल मुझे चाहिए थी भरने के लिए उतनी मैंने ले ली है। अब इस सब में ये वाला जो हमने मसाला तैयार किया था, इसको इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसमें कम ही डलेगा क्योंकि हमने दाल उबलते हुए इसमें नमक और हल्दी डाली थी थोड़ी सी, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारा मिक्स हो गया है। अब ये वो करेले हैं जो मैंने अंदर से खाली कर दिए थे, इसके अंदर हम भरेंगे ये चने की दाल की स्टफिंग। अच्छे से दबा देना है इसको ऐसे। ये सिंपल धागा है जो रील होती है हमारी, बस उसको हम लेके अच्छे से इसके ऊपर लपेट देंगे ताकि जो ये दाल की स्टफिंग है ये बाहर ना निकले। अब जो ये हमने लंबे करेले काटे थे ना, ये बेसन है, और इसके ऊपर ऐसे बेसन डाल के और मसाले मिला देंगे। अब एक लंबी ले लें। ये जो हमने मसाला बनाया था वही मसाला इसी में ऊपर डाल देंगे। बेसन भी डाल दिया हमने और ये मसाला भी हो गया अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला और बेसन जो है आपस में इसमें लिपट जाए, करेलों के ऊपर चढ़ जाए सारा बेसन। ये जो करेले के छिलके हैं, इसमें मैं लंबे प्याज काट के इसको बनाऊंगी। कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है, गैस ऑन करके इसमें अब मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया है, इसको मीडियम सेक पे ही तलना है। ये जो बेसन लगा के हमने रखे थे करेले, अब इसको हम तेल में छोड़ते जाएंगे। करेले जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। वाओ, अब इस कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें जो ये भरवे हमने करेले भर के रखे थे, मसाला भरा था जिसमें, वो वाले करेले बन रहे हैं। अब इसको हम ऐसे धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। अब इन करेलों को हम ढक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाते रहेंगे।
इन करेलों को हम ऐसे धीरे धीरे पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी सिक जाएं। इनको पलटने के बाद इसको फिर से हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये करेले जो है हमारे चारों तरफ से सिक गए हैं अच्छे से, देख रहे हो आप। और मेरी आदत है मैं इसके ऊपर ना सूखा धनिया जरूर डालती हूँ, जो दरदरा पिसा हुआ होता है। ये करेले खाने के लिए तैयार हैं। अब हमने दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें भी थोड़ा सा तेल डाला है और इस तेल में हम बनाएंगे जिसमें हमने चने की दाल भरी थी वो वाले करेले। अब इन करेलों को हम इसमें छोड़ते जाएंगे गर्म तेल में। अब इन करेलों को भी हम ढक देंगे अच्छे से। अब इन करेलों को पलट के देखेंगे हम, ये भी एक तरफ से सिक गए हैं। अब इनको हम पलटते जाएंगे, दूसरी तरफ से भी सिक जाएंगे। जो ये चने की दाल बच गई थी मसाले वाली वो हम ऊपर से ऐसे डाल देंगे इसमें और 2 मिनट इसमें फ्राई कर लेंगे। अब इसमें भी हम डालेंगे दरदरा धनिया। अब ये वाले करेले भी खाने के लिए तैयार हैं। अब हम बनाते हैं अगले करेले। अब इस कढ़ाई में भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा। जीरे के तिड़कते ही हमने इसमें डाल देने ये करेले के छिलके। इसको अच्छे से तेज सेक पे हमने फ्राई कर लेना है, इसके लिए सेक तेज रखना है। जब करेले कुछ इस तरह से पक जाएं थोड़े से, उसके बाद हमने ये कटे हुए प्याज जो है इसमें डालने हैं। इस प्याज को भी इन करेलों के साथ हमने भून लेना है थोड़ी सी देर, ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। ज्यादा फ्राई नहीं करनी, सिर्फ कच्चापन ही निकालना है तभी इसका टेस्ट आता है। प्याज फ्राई हो गए हैं, अब इसमें जो हमने मसाला बनाया हुआ था वो मसाला इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये हल्की सी काली मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे ये दरदरा धनिया। Tell me.